हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीवा बिंदी। माय नेम इज यूही। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ नवरात्रि आउटफिट। तो बिना देर के हम शुरू करते हैं। पहला जो है ब्रांड जनक, और ये बहुत ही अच्छा मरूनिश कलर है और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर है। इसका प्राइस मुझे सही से पता नहीं, ऑनलाइन हर जगह मिलता है, आप ढूंढ भी सकते हैं। तो इसका लेंथ आपको, मैं पूरी कैमरा तो फोकस नहीं करेगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा दे रही हूँ। इतना ज़्यादा है फ्लेयर, कैमरे में पूरा नहीं आ सकता, तो आप इससे पता अंदाज लगा सकते हैं ये कितना फ्लैरी है। तो ये आपको हर जगह ऑनलाइन में मिल जाएगा, चाहे तो आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हैं, अमेजन से भी ले सकते हैं, मिंत्रा से भी ले सकते हैं, हर जगह इसका है। ये एक शाइनी मटेरियल है और इसे शायद सिल्क फैब्रिक कहा जाता है। आपको फ्रंट में मिल जाता है, बहुत छोटी सी चीज़ें भी बताना ज़रूरी होता है। फ्रंट में आपको इस तरह का एक बकरम वाला आ जाता है, पीछे की तरफ आपको इलास्टिक प्लेटेड आ जाता है। ये रहा बस, इसका मैं कहीं भी चाहे तो इसका शॉर्ट लगा दूं या इधर या उधर, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट स्कर्ट की तरफ। ये दूसरा मेरा रहा नेक्स्ट क्रॉप टॉप स्कर्ट। तो ये है ब्रांड इंदूस, आपको दिख रहा होगा। तो ये आ जाता है, पहले स्कर्ट की बात कर लेते हैं, जो लहंगा स्कर्ट है। बहुत ही अच्छा फ्लेयर है, कैमरे में पूरी तरह से नहीं आएगा क्योंकि इतना फ्लेयर है कि इसमें पूरी तरह से नहीं आएगा। और ये जो है, ये जो लटकन है, ये मैंने खुद कस्टम मेड किया है टेलर से। और इसमें आपको अच्छा गोल्डनी कलर का एक शाइनी अंदर से है, इसे कुछ ऊपर से नहीं लगा है, ये कपड़ों में ही ऑलरेडी बुना ही हुआ है। तो ये अच्छा दिखता है जब आप पहनते हो, ये नहीं कि बेस कलर है, लाइट है, अच्छा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा दिखता है। और इसके प्राइस मैं कहीं भी लगा दूंगी इधर उधर। फैब्रिक है चंदेरी सिल्क, और इसमें ये जो नाड़ा ऑलरेडी आया था, ये सेमी स्टिच आता है, तो आपको स्टिच करना होता है। और इसका लाइनिंग कॉटन है, बहुत ही अच्छा है, और पहले वाला का भी लाइनिंग है बहुत ही अच्छा वाला, जो मुझे भूल गई थी बोलना, तो जनक का स्कर्ट का, तो उसका भी लाइनिंग बहुत अच्छा है, वो कुछ सैंटून का आता है उस तरह का। तो ये अब मैं ये फैब्रिक की बातें कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा है, ये बहुत शाइनी और चंदेरी है। तो इसके साथ जो आया था ऑन स्टिच उसका जो भी ब्लाउज स्टिच करने के लिए क्रॉप टॉप का, तो मैंने अपना कस्टम करके बनाया है। यहाँ पे मैंने वो जो लेस दिए थे, मैंने यहाँ पे डिज़ाइन कर चुकी हूँ, हैंड पे भी मैंने इसे डिज़ाइन किया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है गोल्डनी। ये क्रॉप टॉप मेरा सभी स्कर्ट में चल जाता है, कभी ना कभी मैं कभी भी या इसके पहले या इसके बाद मेरा शॉर्ट वीडियो आ जाएगा, तो उसमें आप देख पाएंगी कि मेरा यही क्रॉप टॉप कितना स्कर्ट में मैंने इसको पेयर किया है, आपको पता चल जाएगा। तो प्राइस मुझे फिलहाल मालूम नहीं है, तो मैं कहीं भी आपको अटैच कर दूंगी या इधर उधर। तो बढ़ती हूँ मेरे नेक्स्ट आउटफिट की तरफ। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट आउटफिट, जो मैं पहले ब्लाउज से आपको दिखा देती हूँ। ये ऑन स्टिच था ये ब्लाउज, तो मैंने स्टिच करवाया है, बहुत ही अच्छा एम्ब्रॉयडरी है इस पर। उन्होंने कुछ सीक्वेंस, बहुत बारीकी सीक्वेंस है, शायद मेरा कैमरा कैप्चर करता हो या नहीं करता हो, इसमें थ्रेड वर्क आ जाता है, गोल्डन कलर का है जो पाइपिंग, और बहुत सीक्वेंस है, बहुत ही ब्लिंकिंग करता हुआ ये ब्लाउज है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्वार्टर स्लीव है, और यहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन दिया था जिस तरह का, तो मेरा जो भी मैंने बनाया जहाँ से भी टेलर से, तो वो इस तरह का कट और स्टाइलिश बनाया है। यहाँ पे सीक्वेंस है जो आपको दिख रहा होगा, सीक्वेंस और जरी का काम, तो बहुत अच्छा लगता है। पीछे की तरफ आपको मिल जाता है हुक, क्योंकि मैंने चेन नहीं लगाया कि कभी ना कभी चेन तो ओपन हो जाता है, पता नहीं ख़राब हो जाता है, जो जीप होता है वो ख़राब हो जाता है, तो मैंने इसे लगाया है जो आता है ना ब्लाउज़ में हुक, वो उसका जो भी हुक के साथ जो फिट आने का होता है, उसी को मैंने डिज़ाइन किया है। यहाँ पे उन्होंने दिया था कट करने के लिए, मुझे कट अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस तरह का बनाया है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग स्टाइल कर सकते हैं। तो ये रहा मैं ब्लाउज़, ये है मेरे लहंगे का दुपट्टा, जो कि इसका फैब्रिक है, क्या है फैब्रिक, ये है जॉर्जेट मार्बल दुपट्टा, और इसमें जो बॉर्डर दिया है जो लहंगे को वाइनी, जो पर्पली वाइनी कलर है, उसमें जिस तरह का थ्रेड वर्क और सीक्वेंस वर्क जो भी है, पाइपिंग सभी तरह का है। और इसमें तीन जगह लटकन दिया गया है, तीन जगह, और ये जो है दुपट्टा अच्छा खासा लंबा है। आप चाहें तो किसी में भी आप इससे पेयर कर सकते हैं, आप अपने किसी और कस्टमाइज लहंगे में भी यूज़ कर सकते हैं, या अपना किसी प्लेन कुर्ती और कुर्ता है उसमें भी आप इसे पेयर कर सकते हैं। बहुत ही हेवी दुपट्टा है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, बहुत ही हेवी है और बहुत ही अच्छा कलर है, पीची है, शाइनी है फैब्रिक, बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो है लहंगे का दुपट्टा बहुत ही हेवी है। तो ये मेरे जो ये मैंने लहंगा ख़रीदा है, ये मेरे जो लोकल स्टोर है वहाँ से ख़रीदा है। कुछ बीबी हम लोग के यहाँ पे उड़ीसा में भुवनेश्वर होता है, तो वहाँ पे एक फेमस स्टोर है, वहाँ पे मिलता है, तो श्री दुर्गा आप जाके देख सकते हैं। जो लोकल के होंगे उन्हें पता होगा, जो दूर के हैं तो मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस पुट कर दूँगी, तो आपको मदद हो जाएगी जब आप विजिट करते होंगे या ट्रैवल में आते होंगे, तो आपके लिए श्री दुर्गा स्टोर को आप विजिट करें, बहुत ही अच्छा लहंगा आता है। तो ये रहा, तो ये लहंगा जो है बहुत ही हेवी है,
जो ये लहंगा का खासियत है, बहुत ही अच्छा थ्रेड वर्क और आपको इसमें मिल जाता है सीक्वेंस वर्क। पास से आपको दिखा रही हूँ, थ्रेड वर्क, सीक्वेंस वर्क और कुछ स्टोन लगा है और कुछ शाइनी मटेरियल का है। इसका मटेरियल का नाम इस मैटर का नाम होता है सैटिन सिल्क और ये बहुत ही अच्छा दिखता है। वाइनी कलर का होता है, पर्पली वाइन, और इसका दो लटकन आ जाता है यहाँ पे। आप दो लटकन, एक तो दिखता है एक नहीं दिख पा रहा है ये। और आपको अच्छा खासा यहाँ पे आपको मिल जाता है फिटेड के लिए चेन, जो कि जीप आपको अच्छा खासा मिल जाता है। और ये जो है आपका जो वेस्ट है, जो भी डबल प्लस साइज़ के हैं उनको भी हो जाएगा। और उन्होंने प्रोवाइड किया है दो नाड़ा, जो आप इससे भी सिक्योर कर सकते हैं। और यहाँ रहा आपके लिए एक लेयर फर्स्ट, सेकंड जो बॉर्डर है इस तरह का ब्रॉन्जी कलर का बॉर्डर है, ब्रॉन्जी बॉर्डर। और इसका लहंगे का जो है, लहंगे का जो हेवीनेस आ जाता है किनकिन के लिए, किनकिन बहुत ही हार्ड है, और ये वाला और एक ये वाला किनकिन, तो ये लहंगा इसीलिए ज़्यादा हेवी हो जाता है, बहुत ही हेवी हो जाता है क्योंकि किनकिन है, तो किनकिन की वजह से ये बहुत ही हेवी हो जाता है। इसका फ्लेयर भी अच्छा खासा है, वीडियो में दिखता होगा या नहीं मुझे पता नहीं, सही से दिखता है या नहीं दिखता है, बहुत ही अच्छा लहंगा है। दूसरी प्रोडक्ट की तरफ, दूसरी आउटफिट की तरफ मैं बढ़ रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये रहा स्कर्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो मिंत्रा से ले सकते हैं, अमेजोन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट में भी ये जो है स्टूडियो सिंगर मिल जाता है। यहाँ भी इन्होंने मेंशन किया, उनका लोगो दिखाया है, जो पहले स्कर्ट में भी था, मैंने नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं मैं मेंशन कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर कहीं भी। तो ये जो लहंगा का खासियत है, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला है, बहुत ज़्यादा अम्ब्रेला है, यहाँ तक कि मेरा चेहरा नहीं दिखता होगा, सिर्फ आपको ये स्कर्ट दिखता होगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, गोल्डन कलर का पाइपिंग गया है स्कर्ट में, या आप लहंगा स्कर्ट भी कह सकते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत ही अच्छा लाइनिंग दिया गया है, जो कि है फैब्रिक सैंटून, और इसमें आपको कुछ सी थ्रू भी नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्लेयर मिल जाता है। चाहे तो आप कैनकैन के साथ भी और फ्लेयर कर सकते हैं। और ये आ जाता है, मैंने फ्री साइज़ मंगवाया है, ये वेस्ट 42 के लॉस साइज तक भी आ जाता है सभी को। यहाँ भी आपको अच्छा खासा जीप प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा जीप है, आपको मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, ऐसे नहीं कि चीप क्वालिटी का दे दिया है, बहुत ही अच्छा ड्यूरेबल अच्छा जीप दिया गया है। और दो थ्रेड आपको मिल जाता है, जो बोलते हैं नाड़ा, ये वाला, और ये बहुत ही अच्छा मरूनिस कलर, और इसका प्राइस मुझे नहीं पता है। ये फैब्रिक होता है आर्टिस्ट, तो आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। इसमें बहुत आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल कर सकते हैं, कभी मैं आपको वीडियो बना के या पहले या पीछे कुछ आ जाएगा कि आप एक स्कर्ट को कितनी तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। ये था मेरा नवरात्रि और दिवाली के आउटफिट, ये सिर्फ स्कर्ट और लहंगे का मैंने मिक्स करके ये बनाया है, तो चाहे तो आप मिक्स मैच करके भी पहन सकते हैं, या आपके पास पुराना पड़ा है तो उसको भी आप मिक्स मैच, आपके पुराने क्रॉप टॉप या आपका जो भी शर्ट हो, व्हाइट शर्ट कलर, प्लेन व्हाइट शर्ट है, तो आप उसमें भी आप पेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे बहुत ही ज़रूरत है सब्सक्राइब और लाइक की, प्लीज़। अब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।